आप मेरे से शादी कर लें। शादी? शादी में मजाक है? प्रॉपर्टी मिलेगी मुझे ना, मेरे अब्बा मेरे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे अगर मैंने शादी की। कितनी प्रॉपर्टी यार? वो 5 लाख आपसे लूंगा और शादी के 2-3 दिन बाद आपको तलाक दे दूंगा। पैसे ले पैसे लेके छोड़ देंगे। This is me, Nimra Arya, welcome back to our channel, Crazy Comedy. जैसा कि मेरा हुलिया देखे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मैं बनी हूँ दुल्हन और ढूंढने वाली हूँ अपना दुल्हा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना क्योंकि रिएक्शन बहुत मजे के आने वाले। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो ना मुझे आपसे काम है। जी। आप मेरे से शादी कर सकते हैं? इस टाइम ये कैसे शादी? आप देख नहीं रहे मेरी हालत, में कैसे दुल्हन बन के खड़ी हुई हूँ। मैंने ना शादी करनी थी आज ही ना 12 बजे से पहले, लेकिन मेरा दूल्हा मुझे छोड़ के चला गया है। एक्सक्यूज मी, यस, अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे आपसे काम है, आप काम करेंगे मेरा? कैसा काम? पहले आप बताएं, आप इनकार तो नहीं करेंगे? काम तो बताएं, काम क्या है? आप मेरे से शादी कर लें। शादी? हाँ। शादी मजाक है, शादी कर लें? नहीं, शादी तो मजाक नहीं, लेकिन अगर आज मेरी 12 बजे से पहले पहले शादी ना हुई तो मेरी जिंदगी मजाक बन जाएगी। नहीं, शादी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे आपसे काम है। बोले। आप मेरे से शादी कर लें। क्या हो गया? शादी कर लें प्लीज। क्या हो गया आपको, क्या बात कर रही हैं आप? शादी की बात कर रही हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है? शादी क्या, क्यों, किससे शादी? मुझसे शादी? हाँ, आप और मैं, हम दोनों की शादी। किससे कहूँ, इससे कहती हूँ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा काम करेंगे? क्या? इनकार तो नहीं ना करेंगे? काम तो बताएं। आप मेरे से शादी कर लें। क्यों? क्योंकि मुझे ना बचपन से ही शौक था भाग के शादी करने का, और अगर मैंने आज शादी ना की तो मेरे पापा की जो प्रॉपर्टी है ना वो पापा किसी और के नाम कर देंगे। तो आप प्लीज मेरे से शादी कर लें। कितनी प्रॉपर्टी यार? वो है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस है थोड़ी सी ना प्रॉपर्टी, तो आप कर लें शादी। मैं तो खेलने आया हूँ, ये देखें कच्चा कुच्चा पहना। तो क्या कच्चा पहना होता तो शादी नहीं कर सकते? कच्चे कच्चा क्या कहता है, निकाह नहीं होता, कच्चे में भी आप शादी कर सकते हैं। बस आप मेरे से शादी कर लें। अगर कहेंगे तो मैं अपना दुपट्टा दे दूंगी, आप बांध लीजिएगा। हाँ, लेकिन प्लीज मेरे से शादी कर लें। क्या मतलब जिंदगी मजाक? बेसिकली ना मेरा जो होने वाला शौहर है ना, मेरा बॉयफ्रेंड, वो मुझे सैलून में ही छोड़ के चला गया। इतना तैयार हो, इतना महंगा लहंगा, इतना महंगा मेकअप करवाया, लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया और कह रहा है कि जाके किसी और से शादी कर लो। देखिए, शादी करनी बहुत जरूरी है। क्या मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पापा की प्रॉपर्टी है। मेरे पापा ने कहा था कि अगर 18 साल से पहले तुमने शादी ना की तो वो प्रॉपर्टी मैं किसी और के नाम कर दूंगा। तो शादी करनी आज बहुत जरूरी है, फिर मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप प्लीज मेरे से शादी कर लें। मैं अभी से शादी नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं पहले से एंगेज्ड हूं। देखिए, 2 मंथ के बाद मेरी शादी है। मैं, हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारी शादी पे जितने भी पैसे और गिफ्ट्स इकट्ठे होंगे ना वो आप रख लेना, मैं भी आपकी, गिफ्ट्स भी आपके। अब मान जाए शादी के लिए गिफ्ट्स? हाँ यार, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ना नहीं है, निकाल देंगे घर से। देखिए, शादी के चक्कर में घर वालों को ना बताइएगा, और जो मंगनी है वो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अभी मेरे से शादी करनी बहुत जरूरी है। शादी करनी? नहीं, मैं नहीं शादी कर सकता आपके साथ, मैं तो आपको जानता तक भी नहीं। देखिए, जानने से क्या है, लड़का लड़की नहीं भी जानते होते तो उनकी शादी होती है। हो जाती है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि मुलाकात में बंदा शादी कर ले। देखिए, एक मुलाकात से छोड़े आप सब कुछ, मैं, मेरी शादी करना बहुत जरूरी है। आप बस मेरे से शादी कर ले, मैं देख नहीं रही किस तरह से दुल्हन बन के तैयार करी हूँ, कोई मुझे शादी नहीं कर रहा। तो आप अपना दूल्हा ढूंढे ना मुझसे, मुझे की मुझे मैंने दूल्हा ढूंढा हुआ था, मेरे पसंद की शादी होने वाली थी आज। मेरे अम्मा पर कहा था कि आज तुम शादी कर लो, अगर तुमने शादी ना की तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो अब वो मेरा दूल्हा मुझे छोड़ के चला गया, मैं सैलून से सीधा भाग के इस पार्क में आई हूँ कि मुझे कहीं से लड़का मिल जाए। आप मेरे घर वालों को फोन करें ना, उनको बोले उनको नहीं बता सकती ना, वो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। आप प्लीज मेरे से शादी कर ले प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता, सब लड़के भी नहीं, शादी नहीं करेंगे? शादी है, देखिए ईद पे तो शादी है, आज भी ईद मनाए, आज भी शादी कर ले, किसी को क्या पता चलेगा कि आपने शादी किया या नहीं की। मैंने जिसके साथ भागना था वो बदतमीज अकेला ही भाग गया और मुझे भगा कर ही नहीं लेकर गया। तो आप प्लीज मेरे से भाग के शादी कर लो। ऐसा तो नहीं ना होता, मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैं लिटरली एकेडमी कॉलेज से हूँ। देखिए, एकेडमी कॉलेज वाले क्या पढ़ते नहीं है, क्या शादी नहीं करते? मैं भी पढ़ लिख कर शादी कर रही हूँ, आपने भी शादी करनी है, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी शादी कर लेते हैं। नहीं प्लीज कर लेना शादी, शादी करनी बहुत जरूरी है। क्या? हाँ, मेरे ना पापा की प्रॉपर्टी है, अगर मैंने 12 बजे से पहले पहले शादी ना की तो वो प्रॉपर्टी किसी और की हो जाएगी। तो आप शादी कर लो। अच्छा, चले कर लेंगे शादी। पैसे शैसे नहीं चाहिए होंगे आपको? पैसे चाहिए होंगे, पैसों की वजह से तो कह रहा हूँ। क्या मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए आपको? तो फिर ही शादी करेंगे, वरना नहीं शादी करेंगे। वरना मैं क्यों करूँगा, मैं
राह चलते शादी कर लूंगा। आपने मुझे कहा कि आप राह चल या तो मुझे तो ये अच्छी चीज है, मतलब राह चल करना चाहिए ना फायदे का। जो लड़की पैसे देगी उससे शादी करनी है। अच्छा, मेरी प्रॉपर्टी में से ना मैं कुछ रकम आपको दे दूंगी, कोई 10-20 हज़ार रुपए में कर लेंगे आप शादी? 20 हज़ार में? चले यार, 1 लाख रुपए ले लीजिएगा, क्या हो गया। लेकिन शादी करनी बहुत जरूरी है। नहीं, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। तो आप क्या चाहते हैं, कैसे करेंगे शादी आप? कोई और कुछ और चाहिए आपको मजीद? पैसे और ले लीजिएगा, 2-3 लाख ले लीजिएगा। नहीं, 2-3 लाख? देखिए, शादी करनी बहुत जरूरी है, 2-3 लाख से भी हाथ धो बैठेंगे आप भी और मैं भी, अगर आज 12 बजे से पहले पहले शादी ना हुई तो। आप खुद सोचें, लड़की जो आपकी जो वो है ना मंगेतर, आप उसे 2 महीने बाद शादी कर लीजिएगा। अभी मेरे से शादी करने घर वालों को भी ना बताइएगा। मेरी कुछ शर्त है। हाँ बोले। 5 लाख आपसे लूंगा और शादी के 2-3 दिन बाद आपको तलाक दे दूंगा। पैसे ले पैसे लेके छोड़ देंगे? 5 लाख पक्का शादी करेंगे ना 5 लाख में? लेकिन ये भी शर्त है कि छोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, चले छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन शादी तो पक्की है ना। मैं अपने घर वालों को देखिए, प्लीज 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 मेरी शादी कर ले, मेरा शादी करना बहुत जरूरी है, प्लीज शादी कर ले। देखिए प्लीज, क्या करेंगे इतनी ईमानदारी रख के छोड़े पर? ईमानदारी की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता, एक ही मुलाकात में बंदा शादी कर ले, ये नहीं होता ऐसा। उफ अल्लाह, अरेंज मैरिज सब ऐसी ही तो होती है, आप कर ले शादी। अगर आपको मुझसे लव करती थी उससे बद कर उसको फोन करें आपने मुझसे गलत किया, फिर वो नहीं मान रहा ना, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। आपको पता है प्रॉपर्टी मिलेगी मुझे ना, मेरे अब्बा मेरे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे अगर मैंने शादी की तो, मैं आपको उसमें से कुछ हिस्सा भी दे सकती हूँ। आप मुझे लालच दे रही है। लालच दूं तभी तो मानोगे, मान ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? ऐसे तो नहीं, लालच दे के बना। प्लीज आप थोड़ा सा उसमें से रकम दे दूंगी आपको, ऊपर से हमारी शादी में जितने भी तोहफे तो हाइफ होंगे, जितने भी पैसे होंगे वो सब आप रख लीजिएगा, आप भी खुश मैं भी खुश सबको सेट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाने दे। प्लीज मेरे से शादी करने, मेरी शादी करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाने दे। इतने पैसे बचे हैं, आपको पता है, अब बच्चों की तरह बातें कर रही हैं आप। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, सॉरी। प्लीज कर ले शादी। नहीं सॉरी ना। तो गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है? नहीं, बट अभी नहीं। छोटी उम्र के हो? देखो, छोटी उम्र में शादी करो ना तो बहुत स्कोप है, फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। तो कर ले शादी। नहीं, मुझे नहीं, नहीं, शकल भी नहीं देखी तुम्हारी, मास्क में तुम्हें हाँ कह रही हो, तुम अच्छी बली को इनकार कर रहे हो। लड़की भी तो कर लेती है ना, जब लड़का कोई पैसे देता है लड़कियां भी कर लेती है। अच्छा देखें, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि हम लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं, हाँ हम लोगों का वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कोई शादी वादी नहीं करनी, ऐसे ही मैंने कहा था, लेकिन आप तो राजी हो गए, तो मैंने कहा मैं आपको बता ही दूं कहीं आप पक्के ना हो जाए। हाँ, बस वीडियो बना रहे थे, आपका क्लिप यूज़ कर लें। सुनो, 5 लाख में कर लेंगे ना आप मेरे से शादी? बड़े अच्छे हैं आप, चलाएं फिर शादी करते हैं जल्दी। हाँ, 12 बजे से पहले पहले शादी करनी ज़रूरी है, चलें आए। सच में शादी करेंगे? नहीं, मैं पागल लगती हूँ आपको? क्या मतलब? मैं आपसे शादी करूंगी क्यों भाई, हम लोग पहले वीडियो बना रहे हैं, वहाँ हम लोगों का कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, फनी वीडियो लोगों को हंसाने के लिए वीडियो बनाते हैं। ये क्या मजाक था? मजाक तो नहीं था, लेकिन आप बड़े लालची हैं, 5 लाख में मान गए यार। खैर, मैं भी अच्छी लड़की हूँ। खैर सॉरी, आपके दिल के अरमान जगा के हम लोगों ने बुझा दिए, वैसे आपका क्लिप यूज कर। ये कैसा मजाक था? बस था ना, लोगों को हंसाने के लिए वीडियो बनाते हैं, क्लिप यूज कर लें आपका। नहीं करेंगे शादी, बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात। चले ना करें, कोई भी नहीं आपको इंसिस्ट कर रहा। वहाँ पर ना हम लोगों का कैमरा लगा हुआ है, हम लोग एक फनी वीडियो बना रहे थे, ऐसे आपको चेक कर रहे थे, कोई भी मैं खेल रही थी, खेल रही थी, ये फिल्म के साथ खेल रही थी आप। अरे ऐसा होता है, सॉरी सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो आप तो देखे मान भी तो नहीं ना रहे थे। चले आपका क्लिप यूज कर लूँ? जी कर लो। नहीं पक्का? अच्छा इधर आओ। क्या मुझे भी नहीं करनी थी उनसे शादी, हम लोग एक फनी वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों का कैमरा लगा हुआ है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने किया लोगों को तंग, मुझे तो बहुत मजा, उम्मीद है आपको भी मजा। अगर आपको एम तो हम लोग आप लोग से एम करते हैं पूरे 50,000 लाइक, मेरे वजह तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके अपने नेक्स्ट को इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।